लगता है यहाँ पे है सांप का बिल, आप देख सकते हैं, मे भी इसमें सांप भी हो सकता है। तो गाइस हम आ चुके हैं जंगलों के, यहाँ पे 400 पीस स्नो को लपटाया गया, यानी कि एक में है 100 पीस, चारों की बात करते हैं, चारों मिलाकर 400 पीस हमारे पास गुड़िया है। तो गाइस आईडिया को सिंपल है, हम चलते हैं जंगलों के, वहाँ पे ढूंढेंगे सांप का भी, जहाँ स्नेक रहता हो, जिसमें एनाकोंडा रहता हो, मे भी उसमें सांप हो सकता है, तो सावधानी बरतेंगे। फटाफट चलते हैं हम जंगलों में और देखते हैं स्नेक के बिल, और उसमें डालते हैं सारे गुड़िया को छुड़ा करके, और देखते हैं फिर रिएक्शन उसमें से स्नेक कितना बड़ा निकल के सामने आता है, यानी कि एनाकोंडा। तो गाइस चलते हैं फटाफट से जंगलों की ओर। आ चुके जंगल की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा जंगल है, एक बार आप जंगल को देखिए गाइस, इतना बड़ा जंगल में हम आ चुके हैं इस नाग वाले पटाखा को लेकर यहाँ पे, और देखते हैं इसमें कितना बड़ा नाग निकल के सामने आता है। तो गाइस फटाफट चलते हैं हम इस जंगल में, ढूंढते हैं सांप का बिल। गाइस यार हमने रिसर्च किया इसमें, तो ये पता लगा कि पहले से इसमें बहुत सारे सांप रहते हैं और बहुत सारे एनाकोंडा इसमें मौजूद हैं। तो गाइस इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं इसमें एनाकोंडा तो होंगे ही। तो गाइस यार चलते हैं जंगलों की ओर और देखते हैं सांप का बिल। आई है सांप, आप देख सकते हैं यहाँ पे एनाकोंडा है बहुत बड़ा वाला, सांप हो सकता है मे भी। तो गाइस यार इसमें चलिए जलाते हैं हम इस स्नेक वाले पटाखा को, ठीक है हमको, चलिए हम निकालते हैं फटाफट से बाहर और निकालते हैं इसमें से एनाकोंडा वाला गोली और फिर जलाते हैं। यार अब इसमें लगा रहे हैं आग, तो गाइस कुछ इतना सेंटर प्रेस हो चुका है, और इसे डालना है कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर।